आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक खबर है, जहां पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं की वो बुनियाद भी रखेंगे। पश्चिम बंगाल को कई रेल परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। असम में तेल और गैस से जुड़ी हुई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। असम में कई इंजीनियरिंग कॉलेजों की भी बुनियाद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री ने बंगाल दौरे से एक दिन पहले अपने इस दौरे को लेकर ट्वीट किया और अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, साफ तौर पर जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल की महान धरती ने ऐसे महान सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दिया। हमारी सोच और कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में अव्वल दर्जे के विकास का काम हो। कल मैं कई परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए हुगली में रहूंगा, यानी कि ये ट्वीट कल उनकी तरफ से किया गया था, जिसमें आज के कार्यक्रम को लेके जानकारी दी गई थी और पश्चिम बंगाल के विकास का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया। कई परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भी बुनियाद प्रधानमंत्री आज रखने वाले हैं, जिसका ऐलान उनकी तरफ से किया जाएगा, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं और इस पर नजर पूरे देश की बनी हुई है कि आखिर कौन से बड़े ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए जाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल और असम दौरे पर हर किसी की नजर है, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे वक्त में है जब बंगाल का सियासी पारा पूरी तरीके से उबल रहा है। आपको ये दिखा देते हैं कि विकास कार्यों से अलग बंगाल और असम में प्रधानमंत्री क्या कुछ कह सकते हैं और कौन सी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री दीदी के गढ़ में दस्तक देने वाले हैं, तो क्या वहां पर वो करेंगे उस पर नजर है। मुद्दा एक है अभिषेक बनर्जी, इस वक्त हेडलाइंस बना हुआ है ये मुद्दा। क्या बोल सकते हैं सीबीआई कार्रवाई पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब अपने अंदाज में जैसे प्रधानमंत्री देते हैं वो दे सकते हैं। मुद्दा बंगाल की बेटी का ममता बनर्जी ने जब उठाया, हो सकता है कि प्रधानमंत्री ममता के लिए गड़े गए इस नए नारे पर एक जवाबी नारा रख दे, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी। मुद्दा एक है नागरिकता कानून को लेके, कैसा विरोध हुआ वो हमने देखा। प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में इस पर केंद्र की प्रतिबद्धता जो है उसको दोहरा सकते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में और असम में केंद्र प्रतिबद्ध है नागरिकता कानून को लाने के लिए, ये कह सकते हैं। मुद्दा हिंसा की राजनीति जो हमने देखा पश्चिम बंगाल में होती है, हाल ही में जो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए उसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। इससे पहले अमित शाह इसका जिक्र कर चुके हैं, जेपी नड्डा इसका जिक्र कर चुके हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र करें। विकास की राजनीति एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में है। ममता पर राज्य को बदहाल रखने का आरोप प्रधानमंत्री लगा सकते हैं कि विकास नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इसके साथ धर्म की राजनीति एक बड़ा मुद्दा है। धर्म के आधार पर बांटने और तुष्टीकरण का आरोप प्रधानमंत्री मोदी लगा सकते हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति होती है पश्चिम बंगाल में, ये आरोप लगातार लगते रहे। तो नजर रहेगी प्रधानमंत्री मोदी के आज के दौरे पर और वो क्या कहते हैं उस पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।